नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। मोती झील को लेकर के ज़िला प्रशासन की एक बड़ी मुहिम जारी है और जो इंक्रोचमेंट है वो जो है हटाए जा रहे हैं। अब तक के इतिहास में यानी कि ये एक ऐतिहासिक घटना आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब तक जो है मोती झील के रिगार्डिंग जो कार्रवाई हुई है वो पहले कभी देखने को नहीं मिली। लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन समय बदला और लोग जो है बदले और लोगों की सोच बदली, उसके बाद से प्रशासन की पहल पर मोती झील के जीर्णोद्वार की दिशा में बड़ी कार्रवाई की जा रही है और मोती झील में जो भी अतिक्रमण है उसको खाली कराया जा रहा है। लेकिन मोती झील मोतिहारी शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस पूरे स्टेट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, झील की क्या जो है कैपेसिटी है, ये जो है बहुत अहम विषय है और इसका जीर्णोद्वार जो होना है वो भी जो है बहुत अहम विषय है। तो इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एसटीवी न्यूज़ के साथ जो है दो पैनलिस्ट हैं। सदर एसडीओ प्रिय रंजन राजू जो कि इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और मोतिहारी के वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत मुखर्जी। तो सबसे पहले हम सदर एसडीओ प्रिय रंजन राजू जी से बात करना चाहेंगे। सर, ये जो ऐतिहासिक कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, अभी तक जो सिचुएशंस हैं वो सबके सामने हैं, सैकड़ों मकानें तोड़ी गई हैं। अभी ये जो है हम लोग जिस तरफ मूव किए हैं, मेन रोड के पीछे वाला भाग है जहाँ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, आगे किस तरह से इस संदर्भ में पहले अपनी टिप्पणी दे दें। ये अतिक्रमण अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, आपको ज्ञात होगा कि पूर्व में भी 158 लोगों के विरुद्ध यहाँ वाद चला था भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में। उसी में 138 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अभी तक आदेश पारित हैं, शेष की सुनवाई चल रही है DCLR साहब के यहाँ। उसी 138 चिन्हित अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले फेज में चल रही है, जो आज तक काफ़ी सक्सेसफुल रही है, लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है। और अच्छी बात ये रही है कि लोग स्वयं जानते थे कि हाँ ये अतिक्रमण अभी तक मोती झील में मेरा था और स्वयं उस अतिक्रमण को लोग हटा रहे हैं। तो अभी तक अभूतपूर्व सहयोग मोतिहारी की जनता से मिला है और जिलाधिकारी महोदय का दृढ़ निश्चय था कि मोती झील को अतिक्रमण मुक्त करना है, उसी उनके दृढ़ निश्चय के तहत हम लोग उसके अनुपालन में लगे हुए हैं। सर, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मोती झील है इसकी जो कैपेसिटी है, जितने बड़े रेडियस में है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? एज ए प्रशासन के नज़र से हम ये जानना चाहेंगे कि जो है ये जो है कितना बड़ा एसेट है। ये बहुत बड़ा एसेट है, मोती झील मोतिहारी की पहचान है और इसको अक्षुण्ण रखना और इसको असौंदर्यीकरण करना ये हमेशा से सपना रहा है हर एक पदाधिकारी का। और मेरे लिए ये खुशनसीबी है कि उस सपने को साकार करने में मेरी भी एक छोटी सी भूमिका है और हम लोग ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं इसमें। मोती झील हर्ट में है मोतिहारी को, और आप देख रहे हैं कि मोती झील मोतिहारी को दो पार्ट में बांटती है और तरह तरह से इसका विकास किया जा सकता है और कार्य योजना चल रही है। आज भी बैठक है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें भी मोती झील पर चर्चा की जानी है कि इसके विकास के लिए क्या फर्दर किया जाना है। तो जो भी इसके सौंदर्यीकरण और विकास के लिए और इसको एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए काम किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। और शेष जब अतिक्रमण हटेगा और जब मोती झील खुल के सामने आएगी अपने पूर्ण रूप में, तब और परिकल्पना, इसके विकास की परिकल्पना करने में और सहूलियत होगी। विकास की परिकल्पना करने में सहूलियत होगी जब अतिक्रमण हट जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं विश्वजीत जी। विश्वजीत जी, आप इस पूरे अभियान को प्रशासन के किस रूप में देखते हैं? ये अभियान जो है काबिले तारीफ है। मैं तो मतलब कि मेरा घर जो है, घर से मोती झील का जो की जो दूरी है वो ऐसा है कि बचपन में जब मैं अपने घर के छत पर खेलता था तो सामने मोती झील दिखता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मोती झील मेरे घर से दूर होता गया, या यूँ कह लें कि विकास के वजह से वो इमारतें वैसी बन गई या अतिक्रमण का नाम दे दे उसको। मगर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है इसकी चेतावनी मैं अपने बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष दो वर्ष बाद जो है इस तरीके से अभियान का जो है अनाउंसमेंट होता था, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। ये पहली बार जो है अभूतपूर्व जो है ये कठिन निर्णय जो प्रशासन ने लिया है ये बहुत काबिले तारीफ़ है, लेकिन इसके साथ देखना होगा कि त्वरित कार्रवाई जो है
इसके साथ ही चलती रहें और जो इसके इसका जो क्रियान्वयन है, जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके साथ आगे और क्या करना है, पाथवे कैसे डेवलप करना है, सड़कों को बनाना है, वो ताकि फिर से दोबारा अतिक्रमित ना हो जाए, ज़्यादा समय लगेगा तो उस लिए उस समय में बना ले, क्योंकि कई बार हम देखते आए हैं कि चीज़ें प्रशासन ने तोड़ के हटा दी, अतिक्रमण को हट गया तो वो दोबारा जो है अतिक्रमित भी हो जाती है चीज़ें। तो यही सवाल सदर एस डी ओ साहब से हम जानना चाहेंगे कि सर ऐसा देखा जाता है कि जो है अतिक्रमण तो हटा दिए जाते हैं लेकिन बाद में फिर लोग जो है धीरे धीरे करके अतिक्रमण कर लेते हैं, तो इसकी प्रॉपर निगरानी कैसे की जानी चाहिए और कैसे की जाएगी? नहीं, ये निगरानी बहुत प्रॉपर की जा रही है, जिलाधिकारी महोदय स्वयं पर डे इसकी निगरानी कर रहे हैं और डिफरेंट विभागों से कोऑर्डिनेशन भी हम लोग बनाए हुए हैं कि हर विभाग, आप देख रहे हैं कि लगातार शहर से जो एक अतिक्रमण आप कहें तो बिजली विभाग का भी है, आप देख रहे हैं लगातार ट्रांसफार्मर और पोल शिफ्ट किए जा रहे हैं, नगर निगम सौंदर्यीकरण के प्लान बना रही है, आरसीडी ने भी शहरों को कई भागों में बांटा है सड़क को लेकर के और एक एस्टिमेट भेजा गया है विभाग में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, ये वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से भी अभी डीएफओ साहब ने विजिट किया था इस मोतीझील अतिक्रमण जो खाली वन क्षेत्र को, और वहाँ चंपारण चंपा के पौधे जो चंपारण की पहचान है उसको लगाने के लिए एक प्लानिंग चल रही है, तो हर विभाग से कोऑर्डिनेशन जिलाधिकारी महोदय से हो के स्तर से हो रहा है और ये भी देखा हम लोग करेंगे, देखेंगे, वॉचफुल रहेंगे कि दोबारा से अतिक्रमण ना हो। ये शहर का अतिक्रमण आप हटाया गया है, आप देखेंगे कि दोबारा अतिक्रमण उसके बाद से नहीं हुआ है, लोग भी काफ़ी सहमे हुए हैं कि हम अतिक्रमण करेंगे तो प्रशासन फिर आके हमको हटा देगी, इससे बेहतर है कि हम उस पर अतिक्रमण ही ना करें, तो लोगों की सोच में भी परिवर्तन हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। बेशक ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और लोगों का सहयोग बेशक ज़रूरी है, क्योंकि जब सब मिलकर के एफर्ट लगाएंगे, सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे तभी यह मुमकिन होगा। और अभी हम जहां पे बैठ कर के ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये मोती झील का किनारा है, ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं कि मोती झील के अंदर गेट लगे हुए थे, लेकिन अब जो है प्रशासन की पहल पर ये इसका भी जो है अब इसको डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो आपको कुछ आवाज़ें आ रही होगी खटखट की, तो ये हम आपको कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये जो है पोर्शन ये तोड़ा जा रहा है जो मोती झील के अतिक्रमण में था, और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं जो ड्रिल मशीन के ज़रिए जो अतिक्रमण है, इनक्रॉचमेंट पार्ट है, वो उसको तोड़ा जा रहा है। और जो गृह स्वामी हैं, जो ऑनर हैं घरों के, वो जो है ख़ुद इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। विश्वजीत जी, लोगों का जिस तरह से कोऑपरेशन मिल रहा है इस अभियान को लेकर के, लोग कई सारे लोग जो है स्वतः आगे बढ़ करके अपना इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, ये थोड़ा सा अजूबा नहीं लगता है आपको? नहीं, अजूबा तो नहीं लगता है, क्योंकि पिछले एक दशक में कह लें या दो दशक में कह लें, लोगों ने ये देखा है, महसूस किया है कि प्रकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। ज़्यादा समय नहीं हुआ, बस एक दिन पहले की घटना है उत्तराखंड में, क्या हुआ आप देख लीजिए। उससे पहले आप जो नदियां पाट कर जो सड़कें या इमारत जहां भी बनी है वहां पर नदी ने अपना रास्ता बना लिया समय आने पर। तो प्रकृति से प्रेम करना जो है हम लोगों ने छोड़ दिया है। जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, हमने अपने नेचर को जो है दरकिनार करके जो है आगे बढ़ रहे हैं, और इसका नतीजा हमने देखा कोविड काल में, देखा कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई कोरोना काल में, सारे इंसान जो है, पूरी मानव जाति जो है कैद में थी, लेकिन प्रकृति ने अपना जो है खूबसूरत रूप दिखाया। तो वही चीज़ है कि प्रकृति से प्रेम करना हमें सीखना होगा, और कहीं ना कहीं ये लोगों को आज के तारीख में अगर मोतिहारी की बात करूँ तो हर शहरवासी को, एटलीस्ट शहर के जो मेन शहर में रह रहे हैं उन लोगों को, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना ना करना पड़ता होगा। आपके कहने का मतलब है कि जो है अब लोगों की सोच बदल रही है। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लोग काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं, कई जगह लोग, हमने देखा कि आप प्रशासन के लोग जो है जिनके बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही हैं वहाँ पे बैठे हैं, उनको जगह चेयर दी गई हैं और लोग जो है चाय कॉफ़ी का ऑफ़र कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? नहीं, कम्युनिकेशन एक बड़ा साधन है, बातचीत और संवाद जो है वो बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करता है,
तो हम लोगों ने संवादहीनता नहीं रखी है, अतिक्रमणकारियों से भी बात करते रहे और अभूतपूर्व सहयोग मिला है। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने ऑब्जर्व किया है, हम लोग जाते हैं वो खुद अतिक्रमण तोड़ भी रहे हैं, हम लोग को बिठाते हैं, हम लोग को ऑफर करते हैं सब कुछ, और क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा अतिक्रमण है और हम लोगों ने बात करके उनको बताया है, वो प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट भी हैं। तो जब आदमी संतुष्ट होता है तो सहयोग करता है और उसी संतुष्टि का लाभ हम लोगों को मिल रहा है कि वो सहयोग कर रहे हैं और लोग चाहते भी हैं कि मोतिहारी का विकास हो और उसमें सहयोग कर रहे हैं। जो सहयोग मिल रहा है वो वाकई अभूतपूर्व है। मैंने अपनी सेवा काल में इस तरह से जन सहयोग अतिक्रमण का हटाने के दौरान वो नहीं देखा। स्वयं अतिक्रमणकारी आगे आ रहे, इवन एक दिन ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो जिनका मकान टूट रहा था उन्होंने खुद ही अलाव भी जला दिया ताकि लोग चाहें तो ठंड से बचने के लिए अलाव भी का उपयोग कर सके। तो इस तरह का जो है वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि अतिक्रमण हटाने के दौरान इस तरह के भी सहयोग मिल सकते हैं। ये बड़ी बात कही इन्होंने कि जिस तरह का सहयोग लोग कर रहे हैं मोती झील से अतिक्रमण हटाने के लिए, एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की कल्पना जो लोग जो है नहीं कर पाते हैं कि जिनके मकानों को तोड़ा जा रहा है वही जो है प्रशासन को की आवभगत करें या उनके लिए इंतज़ाम करें। विश्वजीत जी, ये जो माहौल बना है तो क्या इसके पीछे जो मोती झील बचाओ अभियान समिति ने वर्षों से जागरूकता फैलाई है उसका भी असर देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मोती झील जो बचाओ अभियान समिति है वो तो कई सालों से जो है प्रत्येक वर्ष जो है मोती झील महोत्सव मनाती आई है और जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम भी कई वर्षों से हो रहा है और उनके प्रयासों ने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मोती झील बचाओ समिति में सारे शहर के जो है युवा वर्ग जो है बढ़ चढ़ कर उन्होंने जो है हिस्सा लिया था। तो जब युवाओं की सोच जब ऐसी हो रही है आज की तारीख में मॉडर्न वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, कि हम क्या सही है क्या गलत है वो उनको पता चल रहा है एक झटके में मैसेज से, इंटरनेट के क्लिक से, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि मोती झील का अतिक्रमण हो या गंदगी फेंकना मोती झील में तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ये हम गलत कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ में जो कॉपरेशन की बात सर कह रहे हैं अतिक्रमण हटाने में जो सभी का कॉपरेशन मिल रहा है, तो कॉपरेशन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है मोती झील जो बचाओ अभियान समिति है, जिसमें जो युवा उतने बड़ी संख्या में युवाओं का जो योगदान है और उस कहीं ना कहीं एक सोच डेवलप करने की कि अब मोती झील धरोहर है, उसको उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको ब्यूटीफाई किया जाना चाहिए। देखिए और सही मायने में हम देखें, जैसे सर ने कहा कि ये ऐसे हमारे देश में बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर कि शहर के बीच से जो है नदी बह रही है, झील बह रहे हैं, तो उसको उन शहरों ने हेरिटेज की तरह प्रिजर्व किया हुआ है। नॉट ओनली दैट कि वहाँ पर जो है इतने खूबसूरती से जो है ब्यूटीफाई करके पार्क और जॉगिंग ट्रैक के तौर पर जो है उन लोगों ने डेवलप किया है, वहाँ के जो प्रशासन है या जो नगर परिषद है वहाँ के उन लोगों ने डेवलप कर रखा है, उससे पर्यटन के दृष्टिकोण से भी वो चीज़ जो है काफ़ी अहम हो जाती है। और हमारा मोतिहारी तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इसको अगर प्रशासन ये ठोस कदम उठा रही है और इसको जो है डेवलप कर रही है तो आने वाले समय में जो है ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अहम और काफ़ी एक बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी कह ले या वो स्रोत कह ले पर्यटन होगा, उसके बाद से वो कहीं ना कहीं मोतिहारी के फाइनेंस और इकोनॉमी पर भी उसका असर होगा जो भी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितनी बड़ी झील है इसको अगर कायदे से डेवलप किया जाए तो जो पर्यटन के दृष्टिकोण से जो फ़ायदा होगा यानी कि मोतिहारी शहर का रेवेन्यू जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। सर पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ब्यूटिफिकेशन के लिए किस तरह का प्लानिंग है, किस तरह से चीज़ों को डेवलप करने की योजना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है। देखिए कि कुछ बातों पे जिलाधिकारी महोदय अभी विजिट के लिए आए थे, उन्होंने भी प्रकाश डाला है कि क्या क्या इस पर अभी प्रायोरिटी में क्या क्या प्लान बने हैं। आपने देखा होगा कि रोइंग क्लब का भी जीर्णोद्धार किया गया है ताकि बोटिंग की फैसिलिटी इसमें किया जाए। और एक समय ऐसा है
जब इसमें जब मोती झील को पूरी तरह से क्लियर कर लिया जाए, इसमें सारे जितने भी इसमें सिल्ट हैं या आप देख रहे हैं जलकुंभी बहुत सारी हैं इसमें, इसको साफ़ करके एक में बोटिंग रेस भी कराने की परिकल्पना है। उसी के उद्देश्य से ये रोइंग क्लब को भी बेहतर किया जा रहा है और RCD ने इसको देखा भी है। खुद उनके स्कूटी इंजीनियर मेरे साथ पूरा भ्रमण किए हैं, जितने भी अतिक्रमण खाली हुए हैं उसके। और एक अभी तक की जो बातें सामने आई थी वो ये थी कि 23 फीट मिनिमम सड़क इसमें बनाया जाए, टू वे, जिसमें लाइट की हो और उसमें फ्लैंक हो और साइड से निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए भी कुछ चैनल बनाया जाए साइड से। इस तरह से एक साइड बाई रोड भी है, जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि इस तरह से की परिकल्पना है। और क्योंकि चंपा जो है वो चंपारण की पहचान है, तो DFO साहब ने भी विज़िट किया और चंपा के वृक्ष लगाने की भी बातें इसमें चल रही है कि चंपा के वृक्ष भी लगाया जाए इसमें। और झील है, पानी है, तो नेचुरली है कि फ़िशिंग तो इसका एक मेन है, अभी भी इसमें फ़िशिंग की जाती है। तो इस तरह के कई भी कार्यक्रम, जब नेचुरल है कि जब लोग आएंगे इस झील को देखने के लिए, जो बिहार में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, और मोतिहारी जिले को ये सौभाग्य प्राप्त है कि मोती झील उनके बीच में बहती है, तो लोग आएंगे तो नेचुरली है कि पर्यटन का विकास होगा एक पर्यटन स्थल पर। चूँकि मोतिहारी गांधी जी से भी जुड़ा हुआ है और आगे यहाँ से बेतिया भी काफ़ी गांधी जी के स्थल हैं, वहाँ पर जहाँ गांधी जी रुके थे बेतियारवा आश्रम, तो गांधी जी के याद के पल और उनके जुड़े हुए सारे सुनहरे पलों को यहीं से विकसित करते हुए बेतिया की तरफ लोग जाएंगे, ऐसी कल्पना जिलाधिकारी महोदय ने अपने प्लान में की हुई है और इसकी फलीभूत करने के लिए ही इस अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। एक बड़े प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जो है कई तरह के एंगल से जो है चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश है। विश्वजीत जी, आपने गांधी का चंपारण जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली है उस पर भी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, गांधी जी की कर्मभूमि है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि गांधी से जुड़े जो भी चिन्ह हैं, यानी कि जो जो एसेट्स है उसको एक जोड़ने की जिला पदाधिकारी की कोशिश है, आपको लगता है कि जो है सही दिशा में कदम जा रहा है? जी बिल्कुल, सही दिशा में कदम जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में जो है मोतिहारी का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वही इसको जैसे कि दो अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत, पहला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरा जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार जिन्होंने साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ जो है एनिमल फार्म और 1984 जैसे कालजयी रचनाओं को अंजाम दिया, जॉर्ज ऑरवेल, उन दोनों की ही भूमि है चंपारण। उन दोनों के अलावा भी प्रसिद्ध जो है गीतकार हमारे गोपाल सिंह नेपाली हुए, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की धरती है। तो मोतिहारी का रिश्ता काफ़ी अहम रहा है इन सब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियतों से। मगर जो पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर कहें तो जो पर्यटक बाहर से आते हैं तो पहली चीज़ वैसा एम्बियंस यहाँ जो है हम उन्हें नहीं दे पाते हैं। जैसा वो दिमाग में सोच कर आते हैं, जैसा वो लेकर आते हैं, वैसा यहाँ पर जो है वो एम्बियंस हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वैसा जो है अभी तक नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह लूँ कि जॉर्ज ऑरवेल की बात हो रही है, तो जॉर्ज ऑरवेल के बेटे जो रिचर्ड ब्लेयर हैं, तो वो जो है उनसे जब मेरी आखिरी बार मैंने उनका इंटरव्यू लिया था 2013-14 की बात है, तो ही वॉज़ वेरी कीन टू विजिट हिज फादर्स बर्थ प्लेस, लेकिन अभी तक जो है उस तरीके की योजना वैसी नहीं है या उस तरीके का जो है हम वातावरण दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही है अब, जो मोती झील के अतिक्रमण को हटाने का कह ले या शहर से जो इंक्रोचमेंट हटाने की जो बात कार्रवाई हुई है, तो ये सब जो है एक थ्रेशहोल्ड है, उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ मैं कि प्रशासन की मदद से जो है मोतिहारी, जो वाकई में जो मोतिहारी का नामकरण जिस झील के वजह से हुआ, उस झील को जो है देखने के लिए बाहर से लोग आएंगे। और जिस तरीके का चंडीगढ़ का सुखना लेक हो गया या कोलकाता का प्रिंसेप घाट हो गया, इस तरीके के जो जहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो आते हैं और काफ़ी समय बिताते हैं और काफ़ी अच्छा एक यादें जो मेमोरीज लेकर जाते हैं, तो वैसा ही एम्बियंस हम मोतिहारी में पर्यटकों को दे सके।
बिल्कुल, तो मोतिहारी का नाम भी जो है आने वाले समय में नेशनल फ्रेम में देखने को मिलेगा, और जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है इस दिशा में जो चल रही है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, और ख़ास तौर से जिनके नेतृत्व में ये पूरा अभियान चल रहा है मोती झील से इंक्रोचमेंट हटाओ, वो सदर एस डी ओ प्रिय रंजन राजू इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत कोऑपरेशन की बात आपने कही कि लोग जो है लगातार कोऑपरेशन दे रहे हैं, इस तरह की झील के लिए पब्लिक डोमेन में जागरूकता फैलाने की किस तरह से ज़रूरत है, और लोगों से किस तरह की अपेक्षा आप रखते हैं? अपेक्षा तो बिल्कुल है, और लोग अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और सब लोग मोती झील को लेकर जागरूक हैं, नो डाउट है। कुछ व्यक्तिगत हित के कारण लोग इसका अतिक्रमण किए हुए थे, लेकिन जानकारी सबको है और प्रेम सबको है, और वो प्रेम अब झलक रहा है। पर कोशिश शायद हम लोग में कमी रही हो कि एक सार्थक प्रयास, एक ईमानदार प्रयास शायद न हो पाया हो, लेकिन अब जो जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, उनके डायरेक्शन पे हो रहा है, तो दृढ़ निश्चय है इस बार कि मोती झील को अतिक्रमण से एकदम से मुक्त कर दिया जाए और उसको वास्तविक शेप में लाने का पूरा प्रयास है, और जिलाधिकारी की जो परिकल्पना है उसके अनुपालन में हम कितने खरे उतरते हैं ये आने वाले दिन में आने वाला। तमाम लोग जो है एक क्वेश्चन बार बार जो है लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या आपको भी ये उम्मीद थी कि जो है इस अभियान को इतनी सफलता मिलेगी, लोग इस तरह से कोऑपरेट करेंगे? नहीं, उम्मीद तो थी कि कोऑपरेट करेंगे लोग, बट इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह से, क्योंकि अतिक्रमण अभियान में तो सामना करना ही पड़ता है, चूँकि लोग बरसों से वहाँ जमे पड़े हुए होते हैं, और वहाँ से उनको हटाना एक बहुत बड़ी काम होता है प्रशासन का, और लेकिन अमूमन आप देखते होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाती है कई बार अतिक्रमण हटाने में। बट मोतिहारी ऐसा शहर है, शायद मेरा भी अनुभव इस तरह का पहला है, मैंने 15 दिनों का अभियान शहर में चलाया था शहर के अतिक्रमण मुक्त करने का, उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने सहयोग मिला था, उतनी भी उम्मीद मुझे नहीं थी कि सहयोग मिलेगा, और उतनी उम्मीद यहाँ भी नहीं थी, सहयोग की उम्मीद थी बट इतनी सहयोग की उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और स्वयं अतिक्रमण खाली करेंगे। हम लोगों ने लोगों से सिर्फ इतना कहा कि आप अतिक्रमण करते हुए मोती झील की तरफ आ रहे हैं और हम लोग अतिक्रमण हटा के आप मोती झील को आप तक पहुँचा रहे हैं, और ये बात लोगों के जहन में आ गई कि मोती झील ही हमारी तरफ आ रहा है तो हमको क्यों अतिक्रमण करके मोती झील में जाना है, ये लोगों को समझ में आ गई और लोग हटाते चले जा रहे हैं अपना मकान। कुछ खबर ये भी आई कि कुछ लोग के मामलात जो हैं वो कोर्ट में हैं, और लोग जो है इस इंतज़ार में थे कि कहीं राहत मिल जाए, लेकिन बावजूद इसके जो है उस तरह की कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली। लोग ऐसे लोग भी हमको सुनने में आया कि मिले जो जिनका मामला कोर्ट में है, बावजूद उसके उन्होंने अपना अतिक्रमण हटाया। हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया, यहाँ पे जो स्टे था ऑनरेबल कोर्ट से, लेकिन स्टे होने के बावजूद उन्होंने तोड़ लिया मकान, उनको लगा कि नहीं अतिक्रमण में आज न कल मुझे तोड़ना ही है, तो क्यों ना प्रशासन के सहयोग से ही जब आई हुई है तो क्यों ना स्टे होने के बाद भी हम हटा लें, और उन्होंने हटाया है। आपने देखा होगा कि धार्मिक स्थल भी लोगों ने स्वयं तोड़े हैं, तो इस तरह के बड़े बड़े एग्जाम्पल लोगों ने पेश किए हैं कि भावनाओं से जुड़े स्थल भी उसको भी हम तोड़ रहे हैं, तो मोती झील से लोगों का अथाह प्रेम आप महसूस कर सकते हैं कितना है, और प्रशासन का सहयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मोती झील से प्रेम है, और उसी प्रेम का हम लोगों को लाभ मिल रहा है। और कोई अभी तक के अभियान में, हम ये अभियान के 12 दिन हो गए लगभग, लेकिन इस अभियान में अभी भी कोई भी किसी तरह का व्यवधान किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, बशर्ते ये भी लोग कह रहे हैं कि आवश्यकता हुई तो हम अपनी ज़मीन का भी कुछ पोर्शन आपको मोती झील के विकास के लिए देंगे, तो इस तरह का सहयोग तो अभूतपूर्व है, शायद न कभी देखने को मिला है और आगे भी शायद ऐसा सहयोग देखने को मिले इसकी उम्मीद मुझे शायद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि लोग ऐसे भी मिले प्रशासन को जो कह रहे हैं कि अगर हमारी ज़मीनों की ज़रूरत है मोती झील के लिए तो हम और भी अपनी ज़मीनें मोती झील के लिए देने को तैयार हैं। तो अब तक जो 12 दिनों का अभियान है वो काफ़ी सफलतापूर्वक जारी है। तमाम मुद्दों पर हमने बात करने की कोशिश की, और हमारे जो दो पैनलिस्ट थे सदर एस डी ओ प्रिय रंजन राजू और विश्वजीत मुखर्जी, तो हम इनसे जानकारी साझा कर रहे थे कि जो है आगे किस तरह की क्या अभियान को कहां तक ले जाना है और क्या क्या चीज़ें होनी है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू एसटीवी को बुलाने के लिए और इतना समय देने के लिए धन्यवाद। विश्वजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू विश्वजीत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।